हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद और आप देख रहे हैं ड्रामा टेक। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर अपना खुद का क्यूआर कोड, बिजनेस क्यूआर कोड आप कैसे जो बना सकते हैं। और वो भी दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी कैटेगरी का रखना चाहते हो दोस्तों, आप अपना बिजनेस को आप उस कैटेगरी पर सेलेक्ट करके आप उसको जो है क्रिएट कर सकते हो और अपना खुद का एक बिजनेस क्यूआर कोड, मर्चेंट क्यूआर कोड जो है बना सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर गूगल पे को यूज करके आप यहाँ पर गूगल पे का मर्चेंट आईडी आप कैसे जो क्रिएट कर सकेंगे, वो भी अपने मोबाइल फोन से, और वो भी दोस्तों आप यहाँ पर 2 मिनट के अंदर अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देखें गूगल पे फॉर बिजनेस इस वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको जो है डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉलिंग कर लेंगे दोस्तों, आपको यहां पर जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उस प्रोसेस को दोस्तों आपको ध्यान पूर्वक आपको देखना है और अप्लाई करते जाना है, जिससे कि आपका गूगल पे फॉर बिजनेस जो है क्रिएट हो जाएगा और आप जो अपना आईडी जो यहां पर जो बहुत ही आसानी के साथ जो बना सकेंगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के बाद आप जैसे इसको ओपन करेंगे दोस्तों, आपको सबसे पहले जो अपना जीमेल से इसको रजिस्टर करना होता है। तो आप यहां पर कोई सा भी एक जीमेल को सेलेक्ट कर ले, आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करके आप इसको जो इस तरह से सारे परमिशन को अलाउ कर लेंगे एंड इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको देखिए इस तरह का पेज जो है खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको सेटअप और ज्वाइन ए बिजनेस आपको देखने को मिलेगा एंड यहां पर दोस्तों दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक जो है यूनिक क्यूआर कोड तैयार करने के लिए आपको यहां पर जो है सेटअप ए बिजनेस एज ओनर के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर इसके प्लस वाले अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका बिजनेस प्रोफाइल जो बनने के लिए रेडी हो चुका है दोस्तों। आप यहाँ पर जो है पहला स्टेप पर आ जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर लेना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको कंटिन्यू करके दोस्तों आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है एंड इसके बाद दोस्तों आप यहां पर जो भी बिजनेस का नेम है दोस्तों, आप अपना बिजनेस का नेम यहां पर टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर देखिए एक नेम इस तरह से रख लिया हूं दोस्तों, तो आप भी यहां पर देखिए अपना जो भी बिजनेस का नेम रखना चाहते हैं आप नेम रख ले एंड इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करके दोस्तों आपको बिजनेस ओनर नेम में आपको जो भी आपका बैंकिंग नेम है दोस्तों उसको आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है एंड इसके साथ साथ दोस्तों आपको टाइप ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पर देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपका क्यूआर कोड जो है इंस्टेंट बन जाएगा दोस्तों और आपका कोई सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे सेलेक्ट कर लेने के बाद ऐड बिजनेस डायरेक्टर देखने को मिलेगा। तो आप अपना जो है बैंकिंग नेम पर जो रखे हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको फर्स्ट डायरेक्टरी नेम पे वही आपको टाइप कर लेना है एंड सेकंड डायरेक्टरी नेम पर दोस्तों आप जिसका भी नेम देना चाहते हो आप उसका नेम दे सकते हो और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों, आपका व्हाट्स योर बिजनेस कैटेगरी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी रखना चाहते हो आप यहाँ पर जो इसको ले सकेंगे दोस्तों। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखें फ्यूल स्टेशन का कैटेगरी वहां पर सेलेक्ट कर लिया हूं एंड इसके बाद बिजनेस का लोकेशन आपको टाइप करना होता है। तो मैं यहां पर देखिए अपना एड्रेस इस तरह से फिल कर लूंगा। तो आप भी यहां पर अपना एड्रेस को फिल करके अपना मैप से जो अपना एड्रेस को इस तरह से जो अटैच कर ले एंड यहां पर दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप यहां पर कर लेंगे दोस्तों, आपको यहां पर देखिए अपना एरिया का आपको लोकेशन सेलेक्ट करना होता है कि आप किस एरिया पर जो आप यहां पर सर्विस देना चाहते हो। तो आप अपना मन के हिसाब से दोस्तों आप यहां पर अपना एरिया सेलेक्ट कर लें। जैसे दोस्तों आपका यहां पर देखिए इस तरह से प्रोसेस हो जाता है दोस्तों, आपको यहां पर देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपलोड पैन कार्ड फोटो देखने को मिलता है। तो आप यहां पर अपना अपलोड पैन कार्ड फोटो पर आप अपना गैलरी से या फिर अपने फोटो क्लिक कर ले दोस्तों पैन कार्ड का फ्रंट साइड को। जैसे कि मैं यहां पर देखिए गैलरी से अपना जो पैन कार्ड को इस तरह से अटैच कर लिया हूं एंड इसके बाद दोस्तों आपको नीचे जो है पैन कार्ड का नंबर मांगता है। तो आप यहां पर अपना पैन कार्ड का नंबर टाइप कर ले और उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर ले। तो यहां पर दोस्तों आपको जीएसटी नंबर जो टाइप करने का ऑप्शन रहता है, तो आप इसको भी भर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहां पर देखिए इसको ब्लैंक छोड़ के कंटिन्यू कर लिया हूं। तो जैसे आप यहां पर देखिए कंटिन्यू करेंगे, आपको यहां पर देखिए बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहां पर जो भी बैंक को लिंक करना चाहते हैं दोस्तों इस क्यूआर कोड से, तो आप अपना बैंक को इस तरह से जो है लिंक कर सकते हो। तो मैं यहां पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद एंटर आईएफएससी कोड पर आप अपना जो है बैंक का आईएफएससी कोड यहां पर एंटर कर लेंगे एंड इसके बाद नेक्स्ट कर ले दोस्तों। नेक्स्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको बैंक का जो है आपको अकाउंट नंबर टाइप करना होता है, जो भी आप अपना बैंक को सेलेक्ट किए हैं उसका अकाउंट नंबर को आपको वेरीफाई करना होता है। तो आप यहां पर अपना अकाउंट नंबर को टाइप करके इस तरह से फाइंड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट को फाइंड करेंगे। जैसे आप यहां पर कर लेते हैं दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट जो इस तरह से दिखने लगेगा। तो जैसे दोस्तों आपका बैंक अकाउंट इस तरह से दिखे, आप इसको जो कंफर्म बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर ले। तो कुछ इस तरह से कर लेने के बाद दोस्तों आप यहां पर आ जाएंगे और इसके बाद दोस्तों आपको इस पेज पर जो है स्किप बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहां आपको स्किप देखने को मिल जाएगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड यहां पर से दोस्तों आपको बिजनेस प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो डोंट कनेक्ट गूगल पे टू गूगल बिजनेस प्रोफाइल इस तरह से देखने को मिलता है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर ले। यहां पर जैसे क्लिक करके दोस्तों आप कंटिन्यू
फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हो आपका सुमेरी यहाँ पर देखने को आ जाता है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी फॉर्म आप यहाँ पर भरे इतने टाइम से आपका यहाँ पर देखे सारा कुछ यहाँ डिटेल्स नजर आएगा। तो आप इसको इस तरह से जो है देख कर आप इसको वेरीफाई करके आप इसको सबमिट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर देखे रिक्वेस्ट जो है चला गया है दोस्तों मर्चेंट आईडी के लिए, और उसके साथ साथ दोस्तों गूगल पे पर आपका यहाँ पर देखे योर बिजनेस इज अंडर रिव्यू इस तरह से देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 1 से लेकर 2 बिजनेस डे का आपको यहाँ पर वेट करने को बोला जाता है दोस्तों, जिससे कि आपका यहाँ पर देखे सारा डिटेल्स को वेरीफाई करके कैसे आपका यहाँ पर अप्रूव हो जाता है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्यूआर कोड जो है मिल जाता है इंस्टेंट के इंस्टेंट दोस्तों। तो जैसे कि आपको यहाँ पर देखे इसमें जो है 1 से लेकर 2 दिन तक वेट करने को बोला गया है दोस्तों। और अगर दोस्तों आपने यहाँ पर देखे मेरे बताए गए तरीके से अगर किए होंगे सारे कुछ आप यहाँ पर प्रोसेस कर लिए होंगे तो आपको यहाँ पर देखे 1 घंटे तक वेट करना है दोस्तों। 1 घंटे के अंदर अंदर जो है आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है और क्यूआर कोड आपको मिल जाता है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर देखे 15 मिनट के अंदर जो है क्यूआर कोड मिल चुका है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा इस तरह से जो है बिजनेस प्रोफाइल पर इस तरह से जो है बिजनेस क्यूआर कोड मर्चेंट आईडी यहाँ पर जो बन चुका है। और इसी के साथ दोस्तों आप अपना क्यूआर कोड को जो है प्रिंटेड क्यूआर किट को आप अपने घर पर जो ऑर्डर कर सकते हो। तो ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आप अपना क्यूआर कोड को बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर जो अपने घर इस तरह से मंगा सकते हो। वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड स्टिकर मिलता है और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक स्टैंड के साथ आपको स्टिकर मिलता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देखिए इसको कंफर्म डिलीवरी एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आप अपना डिलीवरी एड्रेस को कंफर्म कर ले। जैसे आप यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों आपका क्यूआर कोड जो है आपके घर तक जो डिलीवर हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देखिए अपना क्यूआर कोड को इस तरह से तैयार कर लेने के बाद आप अपना क्यूआर कोड को माई क्यूआर पर आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड इससे दोस्तों आप यहाँ पर कोई सभी मर्चेंट पेमेंट को आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पर जो है अपना खुद का बिजनेस प्रोफाइल इस तरह से बनाकर आप अपना क्यूआर कोड को जनरेट कर सके होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।